आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम आर्बिट्रेशन के बेसिक मीनिंग को समझेंगे। ये वीडियो एडीआर के ऊपर सेकंड लेक्चर है। अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने एडीआर के जनरल कॉन्सेप्ट को समझा। हमने ये जाना कि इस पर्टिकुलर एक्ट विच इज़ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, इस एक्ट को लाने के पीछे का पर्पस क्या था और क्यों हमें आज के जुडिशियल सिस्टम में एडीआर चाहिए, एडीआर का अपना क्या इम्पोर्टेंस है। इन सभी पॉइंट्स को हमने अपने पहले लेक्चर में डिस्कस कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आर्बिट्रेशन के बेसिक मीनिंग को समझेंगे, राइट। चलिए देखो, जब हम डिफरेंट मोड्स ऑफ एडीआर को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बेसिकली पांच मोड्स हैं एडीआर के, जिसमें से सबसे पहला है आर्बिट्रेशन, दूसरा है कंसिलिएशन, तीसरा है मेडिएशन, लोक अदालत और पांचवा है नेगोशिएशन। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द फाइव मोड्स ऑफ एडीआर, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत, नेगोशिएशन। तो आर्बिट्रेशन क्या है? सबसे पहली बात, आर्बिट्रेशन एडीआर का एक मोड है, इट इज अ मोड ऑफ एडीआर। इन शॉर्ट अगर हम बात करें आर्बिट्रेशन क्या है, जिसे आप हिंदी में माध्यस्थम कहते हो, जब दो पर्सन्स ए एंड बी, ये दो पर्सन्स अपने डिस्प्यूट को किसी थर्ड पर्सन के सामने प्रेजेंट करते हैं, इस उम्मीद से कि ये थर्ड पर्सन हेल्प करेगा उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने में। अब ये जो थर्ड पर्सन है, सपोज करो सी, ये एक सिंगल पर्सन हो सकता है, ही मे बी अ सिंगल पर्सन, और ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स एक्टिंग टुगेदर। टू सॉल्व द डिस्प्यूट, तो ये जो पर्सन्स हैं, अब क्योंकि आपने आर्बिट्रेशन मोड ऑफ एडीआर को चुना है और आप चाहते हो कि आपका जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के माध्यम से रिजॉल्व हो, तो ये जो पर्सन है, अगर ये पर्सन सिंगल पर्सन है जो आपके डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर। लेकिन जब ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स मिल करके आपको यानी दोनों पार्टीज को, ए और बी को हेल्प करती हैं कि वो ऐसे डिसीजन पर पहुंचे जो कि दोनों के फेवर में हो, दोनों के लिए फेवरेबल हो, तो इफ देयर इज मोर देन वन आर्बिट्रेटर, तो उन सभी पर्सन्स को हम एक साथ कहेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो इफ देयर इज सिंगल पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प द पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट, that single person is known as arbitrator in arbitration, and if there is more than one person helping the disputed parties, to un
ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हम कहेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्लियर? चलिए, तो यानी दो पर्सन्स के बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ, दो पर्सन्स के बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ और इन दोनों पर्सन्स ने अपने डिस्प्यूट को कोर्ट में ले जाने के बजाय दीज टू पर्सन्स इन स्पाइट ऑफ टेकिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट, इन्होंने प्रिफर किया कि ये अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कराएंगे। ये जो आर्बिट्रेटर है, ही इज नॉट अ जज, ये कोई जज नहीं है, ना ही ये जो आर्बिट्रेशन सेंटर है यानी जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो कोर्ट है। लेकिन आर्बिट्रेटर्स या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजंस देंगे, वो डिसीजंस इन दोनों पार्टीज के ऊपर क्या होगा? बाइंडिंग होगा। इट इज बाइंडिंग, यानी द डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज, राइट? तो व्हाट इज आर्बिट्रेशन? व्हेन द डिस्प्यूट सबमिटेड बिफोर एन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विच गिव्स डिसीजन एंड विच इज मोस्टली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज नोन एज आर्बिट्रेशन। तो याद रखना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन देगा वो क्या होगा? बाइंडिंग ऑन पार्टीज होगा। इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। राइट? और जनरली जो भी डिसीजन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाएगा उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट प्रिफर अपील, राइट? तो हम आर्बिट्रेशन को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसीजर, आप चाहो तो लिख सकते हो आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसीजर इन विच अ डिस्प्यूट इज सबमिटेड बाय अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज टू वन और मोर आर्बिट्रेटर्स हु मेक बाइंडिंग डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट। इन चूजिंग the arbitration the parties opt for a private dispute resolution procedure instead of going to the court। तो यानी देखो, ये जो arbitrator है या ये जो panel of arbitrators हैं जिन्हें हम arbitral tribunal कह रहे हैं, ये independent होते हैं, ये किसी के favor में decision नहीं देते हैं, ये पार्टीज को हेल्प करते हैं कि वो एक ऐसे डिसीजन पर पहुंचे जो कि दोनों ही को क्या हो? मान्य हो। हाँ, लेकिन कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होंगे ये डिसाइड करता है कौन? पार्टीज, राइट? ये है आपका आर्बिट्रेशन। नाउ आर्बिट्रेशन इन 8 पॉइंट्स। अब हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आर्बिट्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आर्बिट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ एडीआर दैट टेक प्लेस आउटसाइड द कोर्ट। दूसरा, इट इज लेस फॉर्मल देन ट्रायल। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ कोर्ट, और जब कोर्ट नहीं है इसका मतलब ये है कि ये जिस प्रोसीजर को कोर्ट फॉलो करता है उस प्रोसीजर को नहीं फॉलो करेगा। दूसरा, इट इज लेस फॉर्मल देन ट्रायल। तीसरा क्या है? अंडर आर्बिट्रेशन पार्टीज इंस्टीड ऑफ टेकिंग
देयर केस टू जज, ब्रिंग बिफोर आर्बिट्रेटर. तो आर्बिट्रेशन में पार्टीज आपसी सहमति से अपने डिस्प्यूट को जज के सामने लाने के बजाय आर्बिट्रेटर को प्रीफर करते हैं और उससे अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कराते हैं. जजमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इज नॉट बेस्ड ऑन रूल ऑफ एविडेंस और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ लॉ. आर्बिट्रेटर जो भी जजमेंट देता है वो लॉ ऑफ एविडेंस के बेसिस पर नहीं देता है, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है जैसा कि कोर्ट्स करते हैं. इवन दोज एविडेंसेस विच आर नॉट अलाउड इन रेगुलर कोर्ट्स मे बी एडमिसिबल इन आर्बिट्रेशन. कोर्ट में हम जानते हैं कि हियर से एविडेंस को एविडेंस नहीं माना जाता है. हियर से एविडेंस के ऊपर हमने कंप्लीट क्लास अटेंड किया है, उस वीडियो को अगर आप देखते हो तो हियर से एविडेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ए टू जेड एग्जांपल्स केस लॉज हमने वहां पर देखा है. तो हमने ये जाना कि हियर से एविडेंस कोई एविडेंस नहीं है और हियर से एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है. लेकिन यहाँ पे आप हियर से एविडेंस को भी ला सकते हो अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने के लिए, ठीक है. आर्बिट्रेटर डिलीवर्स जजमेंट आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज. दोनों पार्टीज को सुनने के बाद आर्बिट्रेटर जजमेंट देता है और जो भी जजमेंट दिया जाएगा वो बाइंडिंग होगा अपॉन द पार्टीज और पार्टीज अपील प्रिफर नहीं कर सकते हैं उस जजमेंट के अगेंस्ट, बिकॉज ये पार्टीज का चॉइस था कि पार्टीज अपने डिस्प्यूट को कोर्ट में नहीं ले जाएंगे. आर्बिट्रेटर्स को भी पार्टीज नहीं चुना था, तो अब आर्बिट्रेटर जो भी जजमेंट देगा वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा. डिसीजन, ठीक है, डिसीजन इज नॉट प्योरली बेस्ड ऑन लॉ. जो डिसीजन होता है वो प्योरली लॉ पर बेस्ड नहीं होता है. क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यहां नहीं चलता. लॉ का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि पार्टीज चाहती हैं कि उनका जो डिस्प्यूट है वो कम से कम समय में रिजॉल्व हो जाए, कम से कम पैसा लगे, उनका टाइम एनर्जी बचे, ठीक है. नो राइट टू अपील अगेंस्ट आर्बिट्रेटर्स डिसीजन. आर्बिट्रेशन इज कॉन्सेंसुअल, विच मीन्स आर्बिट्रेशन कैन टेक प्लेस इफ बोथ पार्टीज हैव अग्रीड टू इट. इन केस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट्स अराइजिंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज इंसर्ट आर्बिट्रेशन क्लॉज इन रेलिवेंट कॉन्ट्रैक्ट. देखो अगर हम बात करें आर्बिट्रेशन तो ये कंसेंशुअल है, यानी ये डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर. इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज. पार्टीज अगर चाहती हैं कि उनका जो डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व हो जाए तो उसके लिए उनके बीच अग्रीमेंट होगा कि इतने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स बुलाए जाएंगे और हम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराएंगे. ये तो प्रेजेंट के लिए हो गया. मान लो दो पार्टीज आपस में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो चाहें तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज भी ऐड कर सकती हैं कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कराया जाएगा, ठीक है. अब देखो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 का सेक्शन 2A डिफाइन करता है आर्बिट्रेशन को. सेक्शन 2A ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 डिफाइंस आर्बिट्रेशन और ये कहता है कि आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन whether or not
एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस सेक्शन 2A। तो सेक्शन 2A कहता है आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। आर्बिट्रेशन का मतलब है कोई सा भी आर्बिट्रेशन, चाहे वो परमानेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू हो या टेम्पोररी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू हो, वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। फिर चाहे उसका एडमिनिस्ट्रेशन परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के द्वारा होता हो या ना होता हो, वो क्या है? आर्बिट्रेशन है। तो सिंपल सी बात है, आर्बिट्रेशन का मतलब है आप किसी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हो, फिर चाहे उसका कॉम्पोजिशन टेम्पोरेरी बेसिस पे होता हो या परमानेंटली होता हो। ये है सेक्शन 2A जिसमें आर्बिट्रेशन को ऐसे डिफाइन किया गया है। तो ये था आर्बिट्रेशन जिसे हमने समझा और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसके मीनिंग को हमने इलैबोरेट किया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम कंसीलिएशन को भी समझेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके बीच लाऊं। तो आप अपना सपोर्ट शो करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।